हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से कोई प्रोडक्ट को ऑनलाइन जब भी आप ऑर्डर करें या कुछ भी डाउनलोड करें, वो प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं, ये आप कैसे जानेंगे। इसके लिए बहुत ही सिंपल कुछ टिप्स हैं, आप उनको फॉलो कीजिए, आप जान सकते हैं। मैं भी आपको ये बात प्ले स्टोर पर करके बता रहा हूँ, आप कौन सी ऐप्स अच्छी है वो आप डाउनलोड करें और कौन सी बेकार। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाइए। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर जियो ऐप लिखा, मेरे पास सामने कई सारे ऐप्स आ गई। अब इसमें एक ऐप्स आ रही बीच में, जियो कॉइन। अब आप ये क्या है, आप इसको क्लिक करेंगे और आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, फिर आपको पता चलेगा इसके बारे में, या आप इसके डिटेल में पढ़ेंगे तब पता चलेगा। लेकिन डाउनलोड करने के बाद, आप चाहते से डाउनलोड ना करना पड़े, उससे पहले आपको पता चले, इससे क्या होगा, आपकी सिस्टम की जो मोबाइल की सिक्योरिटी है वो भी सही बनी रहेगी और आपके MB भी डेटा ज़्यादा खर्च नहीं होगा। और इनकी जो डाउनलोडिंग जो बार बार हो रहे हैं, 10,000 डाउनलोड्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, ये डाउनलोड्स नहीं बढ़ेंगे अगर ये बेकार ऐप्स है तो। देखिए इसके बारे में, जियो ऐप्स, देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आप नीचे आइए और इसके रिव्यू और कमेंट्स को आप ध्यान से पढ़िए। इससे आप समझ जाएंगे कि ये वीडियो ये जो ऐप्स है ये सही है भी या नहीं। देखिए यहाँ साफ लिखा हुआ है, फेक ऐप नेवर एवर डाउनलोडेड, ठीक है, किसी एक ने लिख दिया हुआ। दूसरे देखिए, उसने भी यही लिखा हुआ है, यूजलेस जस्ट एड्स, 100% फेक, 1,000 10,000 फेक्स। तो इन रिव्यू को पढ़ के आप समझ गए होंगे ये ऐप बिल्कुल फ्रॉड है, बिल्कुल फर्जी है, तो आप इस तरह की ऐप डाउनलोड ना करें। ऐसे ही आप और भी ऐप देख सकते हैं, यहाँ तो जियो की ये मान लीजिए हमको ये ऐप्स देखना है, ये जेन्युइन ऐप्स है या नहीं। थोड़ा नीचे आएंगे, देखिए यहाँ कमेंट लिखा हुआ है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऐप, द कंटेंट वेरी वेरी यूजफुल, ठीक है, नो बिगिनर न्यूज़पेपर इज अवेलेबल, बंगाली न्यूज़पेपर नहीं, मतलब ये रियल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। रेटिंग्स भी आप देख सकते हैं, 4.44 है। ऐसा आप कोई और ऐप्स देखना चाहें, बहुत सारी फर्जी ऐप्स जो गूगल प्ले स्टोर में मिलती है, आप उनको डाउनलोड ना करें। और वो फेक है या नहीं ये कैसे पता करें, मैंने आपको बता दिया, आप बस उस पर जस्ट क्लिक कीजिए और आप इसकी रेटिंग देखिए और रिव्यू पढ़िए जितने भी हो सके। यही कॉन्सेप्ट इस पर भी अप्लाई होता है, आप ऑनलाइन कुछ भी शॉपिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं शॉपिंग गया, मुझे यहाँ पे एक मोबाइल लेना है लोएस्ट प्राइस, फ़ोन देखिए ये आ गया, मुझे ये फ़ोन ठीक लग रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया, कोई नई कंपनी है या कोई सा भी फ़ोन है, मान लीजिए मुझे ये माइक्रोमैक्स का अच्छा लग रहा है, इस पर क्लिक किया। अब आप थोड़ा नीचे आइए, अब आप यहाँ पे तो सब पढ़ लेंगे, आपको सब अच्छे दिखेगा यहाँ, लेकिन इसमें क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम, ये तो ये कंपनी नहीं बताएगी। ये आपको मिलेंगे ऑप्शंस कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन पे नीचे आइए, थोड़ा और नीचे ये देखिए, तो क्वेश्चन आंसर्स के बारे में ये रहा, रिव्यू, कस्टमर रिव्यू, 15 कस्टमर ने रिव्यू किया, इस पर क्लिक कीजिए इस पर एक। और अब देखिए यहाँ पे रिव्यू है, 5 स्टार में 33%, 1 स्टार 40% है, तो आप समझ सकते हैं इस मोबाइल की क्वालिटी कितनी ख़राब हो गई, क्योंकि 40% 1 स्टार पे। अब थोड़ा नीचे आइए, रिव्यू पढ़िए इनके, द मोबाइल नॉट वर्किंग प्रॉपरली, स्ट्रगलिंग ए लॉट, तो आप समझ सकते हैं इस मोबाइल को लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, नॉट वर्किंग प्रॉपरली, साफ साफ लिखा हुआ है, तो आप गलत ऑर्डर कर देते अगर आप इस मोबाइल को ऑर्डर करेंगे तो। जबकि इसके फीचर्स में अगर बात करेंगे तो सारे फीचर्स बहुत अच्छे तरीके से बताए गए हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह से आप कोई वीडियोस देखने से पहले, कोई भी ऐप्स डाउनलोड करने से पहले, या कुछ भी प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगाने से पहले, आप उसका रिव्यू ज़रूर पढ़ लें। रिव्यू ज़्यादा नहीं, उसी जिस वेबसाइट से डाउनलोड करो उसी के नीचे आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।